है कि विस्कास फूड, जो ड्राई फूड है विस्कास का, क्या वो खाने से किडनी स्टोन्स बनते हैं? मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो फिर से एक दफ़ा रिपीट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद है सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के ही पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर, जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछे थे, उनका आंसर करूँगा पेट फूड के हवाले से, कि फूड से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैट को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं खाने पीने के हवाले से। लेकिन वो बताने से पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो मैंने पेट फूड लॉन्च किया था उसके ऊपर आप लोगों का क्रेज़ी रिस्पॉन्स आया और इंतहा की सेल हुई है। इतनी सेल हुई है कि हम डेली जितना भी सामान आता है उसका कंपनी से डेली आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक, कुछ लोग शायद होंगे जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा, ट्राई नहीं किया तो वेबसाइट का लिंक नीचे है, लाजमी ट्राई कर लें। और मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह का आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है और जिस तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं, इनक्रेडिबल रिव्यूज़ हैं उसके ऊपर। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आया है कि विस्कास फूड, जो ड्राई फूड है विस्कास का, क्या वो खाने से किडनी स्टोन्स बनते हैं? मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो फिर से एक दफ़ा रिपीट कर लूँ, विस्कास हो या कोई भी अच्छा ब्रांड हो, बड़े से बड़ा ब्रांड हो जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इस टाइम, जितने भी ड्राई फूड हैं उन सबको खाने से किडनी स्टोन एक ना एक टाइम पर बनते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि वो किस लेवल का फूड खिला रहे हैं, कैटेगरी क्या है फूड की, अच्छा फूड है, बहुत अच्छा फूड है या बहुत बुरा फूड है। उसका ये होता है कि जो बहुत बुरा फूड होगा उसे बहुत जल्दी असर हो जाएगा, किडनी स्टोन बनेंगे, यूटीआई की मसला होगा, किडनी लीवर का मसला होगा। जितना अच्छा फूड होगा वो उतने ही ज़्यादा लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज़ करेगा कैट का, वो उतनी ही कम प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा। लेकिन एट द एंड ड्राई फूड की वजह से ये प्रॉब्लम होती ही होती है, किडनी स्टोन हो गए, यूटीआई हो गया और किडनी लीवर से जितने भी प्रॉब्लम है ये सारी ड्राई फूड की वजह से होती ही होती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है, क्या हम कैट को खाली चिकन दें या साथ में यखनी देना भी ज़रूरी है? एक बात हमेशा याद रखें कि जैसे मैंने ड्राई फ्रूट के बारे में कहा, क्योंकि ड्राई फ्रूट इसलिए हार्मफुल भी ज़्यादा है कि उसके साथ जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल नहीं जा रहा होता कैट को डाइट के अंदर। इसी तरह अगर आपने कैट को चिकन भी देना है, बेशक थोड़ा बहुत मॉइस्चर जाता ज़रूर है, लेकिन उसके साथ जो उसकी यखनी है वो लाजमी दिया करें। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है कैट को खाली चिकन खाने से, इससे यखनी गर्मी हो सर्दी हो वो उनकी ज़रूरत है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम गर्मियों में भी कैट को यखनी दें, आप लोगों ने बिल्कुल कैट को गर्मियों में भी यखनी देनी है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था कि कैट की जो होममेड डाइट है या चिकन वगैरह है उसके अंदर क्या हम नमक वगैरह डाल सकते हैं इसके ऊपर? इससे ही मैंने आप लोगों को पहले एक दफ़ा बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ कि किसी भी तरह का कोई भी सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गई, आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। मैंने हल्दी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं जो है यहाँ पे दे दूँगा, आप लोग वो देख सकते हैं किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो भी जो है कभी कभी देनी होती है, वो भी डेली डाइट में आप लोगों ने नहीं डालनी। और मैं आप लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ कि नमक मिर्च वगैरह कुछ भी डालने के लिए चिकन के अंदर या इनके होममेड डाइट के अंदर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसका नुकसान हो सकता है, उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मैंने कैट को जो है वो मीट दिया था और मुझे नहीं पता वो उन्होंने कौन सा मीट दिया, चिकन का दिया, चिकन वैसे मीट में नहीं आता, बीफ दिया या मटन दिया, क्या दिया, देखो कह रहे कि वॉमिटिंग हो गई। बेसिकली अगर हम रेगुलर बात करेंगे और रेगुलर बेसिस पे आपकी कैट खा रही है फिर तो उसको वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों ने एकदम से उसको डाइट चेंज की है, एकदम से उसको मीट प्रोवाइड की है, वो पहले चिकन खाती थी, अब आपने उसको बीफ या आपने उसको मटन दे दिया है, तो जाहिर सी बात है उसको वॉमिटिंग या फिर उसको डायरिया ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो एकदम से इतनी हैवी चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। उसको आपने हमेशा स्विच करवाना होता है, उसके भी आपको हज़ार दफ़ा तरीके बताएंगे किस तरह से आप लोगों ने स्विच करवाना है। चिकन हो जाए, मीट हो जाए, ड्राई फूड हो जाए, कोई भी डाइट हो जाए, कोई भी पेट फूड हो जाए, वो आप लोगों ने कभी भी एकदम से नहीं देना होता, ग्रेजुअली उसको स्विच करवाएंगे। तो होपफुली कोई भी फूड हो, कोई भी किसी किस्म का भी फूड हो, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे कभी भी जो है डायरिया या लूज मोशन वगैरह नहीं लगेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया वो थोड़ा अजीब सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिचुएशन के हिसाब से। आप लोगों को पता है पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड फूड तो बैन हो चुका हुआ है और उसकी वजह से जो है वो फूड आ नहीं रहा, लेकिन किसी ने पूछा कि अगर इंपोर्टेड फूड कल को खुल जाता है तो क्या डॉलर के रेट्स जो पाकिस्तान में 200 से ऊपर चले गए, कि हमारे जो है वो प्राइसेस जो हैं यहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, हर प्राइस बढ़ गई हैं, क्या वो हमारे बारे में खाएगा या नहीं खाएगा, जो सीधी सी बात है कि हमारी रेंज में आएगा या नहीं आएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था बैन हुए, उसके बाद फ़ौरन प्राइसेस बढ़ गई थी पेट फूड की। बेशक वो पुराना स्टॉक पड़ा था, किसी बार उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दी और आगे भी सारा जो है वो प्राइसेस बढ़ गई हैं। लेकिन अगर बैन खुलता है और इसी रेट के ऊपर जो डॉलर का रेट है 200 से ऊपर जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ आपके हाथ जो है वो बिल्कुल भी पेट फूड जो है वो नहीं आने वाला, आपके रेंज में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। जो पेट फूड गंदे से गंदा 1500 रुपये पर केजी है, 1.5 केजी है, 2 केजी मिल रहा था, अब वो आपको 3000 से ऊपर का देखने को मिलेगा, क्योंकि टैक्स भी इसके ऊपर, जाहिर सी बात है जब खोलेंगे तो हो सकता है टैक्स ड्यूटीज़ इसके ऊपर 100% कर दें, उसके अलावा डॉलर का रेट है वो आप लोगों के सामने है। तो कोशिश ये करें कि कोई और ऑल्टरनेट होममेड कैट फूड
और जिस तरह मैंने आप लोगों को कैट फूड का बताया था, आप लोग जितनी जल्दी हो सके वो स्विच कर जाएं। अब मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि कैट को जो है वो डिहाइड्रेशन की वजह से कैट्स सबसे ज़्यादा मरती हैं। कोई भी बीमारी हो लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से कैट जो है वो मर जाती है। अब डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कुछ लोगों ने पूछा है मुझसे कि किस तरह से डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। उसका तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप लोग अपनी कैट को डाइट के थ्रू जो है वो उसको जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करें। अब ड्राई फूड के साथ तो मॉइस्चर नहीं जाता, अलबत्त ये हो सकता है आप उसको बहुत ज़्यादा पानी पिला दें तो वो उस तरह से मॉइस्चर जा सकता है, लेकिन वो भी ड्राई फूड जब अंदर जाता है पेट के तो वो पानी को भी अब्जॉर्व कर लेता, वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। और बेहतर तरीका यही होता है कि आप उसको होममेड कैट फूड दे दें, उसके अंदर मॉइस्चर जा रहा होता है, डिफरेंट डाइट्स होती हैं उसके अंदर मॉइस्चर जा रहा होता है, वेट फूड आ गए मार्केट में बहुत सारे, उसके अंदर ड्राई फूड उसके अंदर जो है मॉइस्चर जा रहा होता है। अगर आप डाइट के अंदर डेली के डेली मॉइस्चर उसको देंगे, डेली के डेली उसको हाइड्रेट रखेंगे, उसको पानी पिलाएंगे, तो वो बिल्कुल भी जो है जब उसको अल्लाह खैर करे अगर आपकी बिल्ली को कुछ होता भी है, कोई प्रॉब्लम भी आती है, तो वो उस बिल्ली की जगह जो कि सिर्फ ड्राई फूड खाती रही है काफ़ी ज़्यादा देर सर्वाइव कर जाएगी। उस ज़्यादा देर सर्वाइव करने का मतलब ये है कि बीमारी से भी निकल सकती है। तो एक और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि क्या कैट को घी दे सकते हैं या तेल का, इस तरह की चीज़ें, खासतौर पर घी का जिक्र किया गया है। तो मेरे ख्याल से तो कैट को बिल्कुल भी घी नहीं देना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन शायद कोई ऐसी कंडीशन होती हो जब आपको कभी कोई वेट शायद ये कह रहे कि उसको घी थोड़ा सा प्रोवाइड कर दें, शायद कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन में होता हो, अदरवाइज़ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती घी देने की। उसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कैट को होममेड फूड दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, उसके साथ मल्टीविटामिन दे सकते हैं, बिल्कुल मल्टीविटामिन उसको दे सकते हैं आप लोग। मल्टीविटामिन आप लोगों को मैंने पहले बताया है प्रो हेल्थ दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा अगर वीक है तो वो सप्लीमेंट आ जाता है, फैट प्लस आ जाता है, उसके अलावा कुछ इंपोर्टेड भी आते हैं प्रेग्नेंट कैट्स के लिए, प्रेग्नो प्लस आता है, ये चीज़ें जो हैं वो आप दे सकते हैं। आप ह्यूमन वाले जो मल्टीविटामिन हैं कोशिश करें, कुछ लोग ऐसे ऐसे कैप्सूल यूज़ करते हैं जो कि नुकसानदेह होते हैं लीवर और किडनी के लिए, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी करें। अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और इस तरह वीडियो में चाहते हैं कि मैं आंसर करूँ तो इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लें। लास्ट काफ़ी साल पहले मैंने कहा था कि मुझे फॉलो कर लें, मैं हर जो है क्वेश्चन का आंसर करूँगा आपको वहीं पे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ बाद में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता कि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आंसर नहीं कर सकता, इसलिए मैं कभी कभी Q&A सेशन कर लेता हूँ, वहाँ भी आंसर कर देता हूँ और वीडियो भी बना लेता हूँ। तो अगर आप लोग फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लें, उसके ऊपर काफ़ी मैं अपडेट्स भी देता हूँ फूड के हवाले से, काफ़ी चीज़ों के हवाले से, क्लिनिकल के हवाले से, फॉलो लाजमी कीजिएगा, वहाँ भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।